Hello, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. I hope you all are safe. और happy Sunday. तो Sunday morning हम लोग जा रहे हैं. Actually अभी morning बोलो. हाँ morning बोल सकते हो. Just 10:56. तो हम लोग जा रहे हैं fish और meat लेने. क्योंकि घर पे कुछ नहीं है. Saturday we had vegetarian food and this guy got super irritated with that. हमने डिसाइड किया था सुबह जाएंगे बट फिर आया थोड़ा सा रिलैक्स विलैक्स करके जाते हैं तो पता नहीं 11 बजे फिश की दुकान पे और कौन सा फिश बचा रहेगा हमारे लिए वो जाके ही देखते हैं तो लेंगे फिश उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा ग्रोसरी करने क्योंकि आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि कर्नाटका में शॉपिंग मॉल्स कोई भी पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करने के लिए मूवी हॉल्स स्विमिंग पूल्स पब्स सब कुछ बंद है कुछ दिनों के लिए फिलहाल और इसके लिए क्या हो रहा है कि बिग बास्केट एंड ऑल दे आर फेसिंग हेवी डिमांड और उसके लिए डिलीवरी स्लॉट कभी कैंसिल हो रहा है कभी पोस्टपोन हो रहा है तो इसलिए हम ग्रोसरी करके जो लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से कुछ स्टॉक करके रख देंगे ज़रूरत का सामान जो मतलब चाहिए ही चाहिए घर पे वैसे बाकी की चीज़ जो वेट कर सकते हैं वो बिग बास्केट से लेंगे तो ऐसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं आप लोग सेफ रहना और बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो दीपांजन के ऑफिस में फिलहाल वर्क फ्रॉम होम का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है और नहीं दिया गया है ना अभी अनाउंस किया गया है कि अल्टरनेटिव मतलब हाँ. एक वीक में 50% लोग एक हफ्ता वर्क फ्रॉम होम करेंगे 50% लोग दूसरे हफ्ता वर्क हाँ जैसे अगर टीम में 15 बंदे हैं तो 7 बंदे को इस वीक को दिया है दीपांजन का है इसके नेक्स्ट वाले वीक विच इज 23rd to 27th ऐसा कुछ ऐसा ही मेल आया है बट मुझे नहीं पता उससे क्या होगा मतलब ऐसे 5 लोग ऑफिस जाएंगे 5 लोग घर से करेंगे नेक्स्ट वीक वो लोग घर पे रहेंगे तो इससे क्या होगा अगर करना है तो पूरा बंद करो नहीं तो मत करो सबको ऑफिस आने दो तो ये समझ में नहीं आया बट फिलहाल ऐसे ही उसका कुछ आया है वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन तो अभी तक जो जितना पता है कि कल उसको ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि ये वीक उसका वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो हम आ गए हैं फिश के दुकान पे और मेरे वीडियो में मुझे पता है बहुत सारे बंगाली व्यूअर्स भी ये चैनल फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से फ़िश लेते हो ये कोलकाता वाला फ़िश कहाँ पे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में स्टे ट्यून्ड थोड़ा सा लेट आए तो अच्छा है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होता है उसमें ना शूट करना थोड़ा एम्बैरसिंग भी लगता है कभी कभी है ना कि फ़िश के दुकान पर एकदम कैमरा वैमरा लेके शूट करना तो अभी शायद खाली होगा तो मैं आपके साथ सारा डिटेल्स शेयर करूँगी चलिए मेरे साथ ये दुकान एकदम ही बनेरघट्टा मेन रोड के साइड में है बनेरघट्टा मेन रोड से आप गोटी गेरे के तरफ आओगे तो वहाँ पे भारत सी फूड बोल के एक दुकान है जहाँ से हम जनरली फिश लेते हैं इसको छोड़ के भी माई चिकन एंड मोर बैंगलोर में जो है वहाँ पे भी कभी कभी अच्छा फिश मिल जाता है जो स्वीट वाटर फिश होता है वो मिलता है तो वहाँ से भी लेते हैं बट मोस्टली हम लेते हैं भारत सी फूड से जो गोटी गेरे में है तो ये है रोड का उस साइड और दुकान है इस साइड में कितना कर गया 1750 द बेस्ट पार्ट अबाउट बैंगलोर सिटी इज यहाँ के कोई भी छोटे या बड़े दुकान ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं इस दुकान में भी आप आपके डेबिट कार्ड या कोई भी ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट ऐप से पेमेंट कर सकते हो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट यू कैन गो एब्सोल्युटली कैशलेस लोकेशन बहुत अच्छा है स्टोर का एकदम गोटी गिरे सिग्नल के राइट हैंड साइड में ये दुकान है और यहाँ पे आप फिश कट करके क्लीन करके अपने हिसाब से ले सकते हो
फिश हमने ले लिया। दुकान के डिटेल्स भी मैंने शेयर किया, दुकान का एक टूर भी आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आपको अच्छा लगा है, और अगर आप आना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो प्लीज़ आना। और अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी लेने। अच्छा, फ़िश में क्या हुआ कि जैसे कि हम बहुत लेट आए हैं तो ज़्यादातर फ़िश नहीं है, ऊपर से ये वायरस के चक्कर में फ़िश आना भी थोड़ा सा कम हो गया है। वो भी वो बंदा बोल रहा था, तो उसने बोला कि अच्छा हिलसा है, जैसे कि आपने सुना, बोल रहे हैं कि 1850 हम सबसे ले रहे हैं, आपसे 1750 लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो सबको बोलता है, ठीक है, सबसे 1750 ले रहे हैं, बट देखेंगे। लास्ट टाइम दीपांजन हिलसा लेके गया था, बहुत अच्छा टेस्टी हिलसा था, देखते इस बार क्या है, क्योंकि और कुछ ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, तो हमने इसलिए हिलसा लिया। रोहू ले सकते थे, बट रोहू लेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा, और वो बहुत दिन तक खाना पड़ता है। हम दो लोग हैं ना, तो 2-2.5 किलो का फिश हमारे 3-4 बार खाना पड़ता है, एक ही फिश बना बना के, तो इसलिए हमने नहीं लिया। ग्रोसरी स्टोर में भी क्या भीड़ है भाई, मतलब सभी लोग स्टॉक कर रहे हैं, वेरी नेचुरल, इसलिए ग्रोसरी की यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। चलिए एक मेमोरी है जो हमारे पास है, और फ्लरी इससे बहुत लड़ती है, पहले बहुत लड़ती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बट अभी फ्लरी के बेस्ट फ्रेंड है। लुक एट फ्लरी, पहले हम इसको ऐसे ही मजाक करके फ्लरी के बेड पे बिठा देते थे, और फ्लरी भौंक भौंक के पागल हो जाती थी। वो जगह दिखा जो फ्लरी ने खा लिया था। एक दिन हम दोनों ऑफिस गए थे, और ये बाई चांस फ्लरी के रीच में था, आउट ऑफ रीच करना ही है उसका पैर पकड़ के। और इसका जो यहाँ पे कियारा, इसका जो यहाँ पे फ्लरी छाड़ो छोड़ने की राजनी, तो इसके चेस्ट पे एक बटन है ब्रोंगजू लिखा हुआ, उसका आधा जो है वो फ्लरी का काम है। हाँ, किसने किया था सत्यानाश, किसने किया था सत्यानाश, वही बाबले। तो घर आके नहा धो के सारा सामान अपने अपने जगह पे सेट करके अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। टाइम हो रहा है 2:15, यस 2:15 को आज लंच बन रहा है, खाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, और जो लंच में आज बना रही हूँ वो बना के ही खा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि दीपांजन भी नहा ले। मेरा नहाना हो गया, अभी वो नहाते नहाते मेरा बाकी का काम हो जाएगा। तो बता दूँ आज क्या बन रहा है, आज बन रहा है गोविंदभोग चाले राइस। गोविंदभोग चाले एक बहुत ही अरोमेटिक बंगाल का राइस है, जब हम कोई भी बॉइल्ड राइस खाते हैं ऐसे शेद्दो भात तो वो यूज़ करते हैं, तो आज गोविंदभोग चाल उसके साथ मैंने आलू बॉयल कर लिया है, आलू शेद्दो, उसको अच्छे से सरसों का तेल थोड़ा सा ग्रीन चिली से एकदम मैश कर लेंगे, और उसके साथ बनाएंगे पतला सा दाल। आज जो हिलसा लाए थे एकदम फ्रेश उसको फ्राई कर लेंगे। अब कोई आइडिया नहीं कि गोविंदभोग राइस के साथ हिलसा कैसा लगेगा, बट ठीक है चलो, ऐसे राइस के साथ अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे ही स्टार्टर में सूखा सूखा खा लेंगे, तो वही मैं फटाफट बनाऊंगी। कुछ आइटम्स बन गया है,
राइस एकदम एंड में बनाऊंगी क्योंकि ये राइस एकदम गर्मा गर्म खानी चाहिए विद घी। तो लंच बहुत ही यमी होने वाला है, थोड़ा लेट हो गया बट लंच यमी होगा। बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने घर के सारे विंडोज सब कुछ खोल दिया है एंड यू कैन हियर द साउंड ऑफ विंड चाइम्स। और हमारे मास्टर बेडरूम से गेस्ट रूम का पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो जब दोनों का ही एक का विंडो एक का बालकनी का डोर खोल दो तो बहुत ज़्यादा हवा चलता है, तो इसलिए ये विंड चाइम्स कंटिन्यूसली आवाज़ कर रहे हैं। Anyways, Flurry and Kiara having dinner क्योंकि time is 8:25। आज थोड़ा late हो गया क्योंकि हम दोपहर को सो गए थे। इतना yummy lunch था आज का, इतना अच्छा लगा। कभी कभी इतना simple lunch भी इतना अच्छा लगता है कि उसके बाद आज सोना ही पड़ा, तो हम सो गए। फिर हमें उठते उठते 7:45 हो गया और आज बहुत दिन बाद शाम को पियेंगे चाय। हम जनरली शाम को चाय नहीं पीते हैं, आपको पता है, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, पीते भी है तो बिना दूध के चाय पीते हैं, बट आज दूध वाली चाय बनाई है मैंने क्योंकि आज हमने एक नया चाय की पत्ती लाए है ट्राई करने के लिए। टी वेदा कहीं पे नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हर जगह पे, इसलिए हम आज टाटा टी प्रीमियम लाए है। देखेंगे वो कैसा है, टी वेदा जैसा तो नहीं होगा बट देखते हैं नॉर्मली वो उसका लीकर कैसा है, पत्ता कैसा है। तो वो चाय बनाई है 2 कप और उसके साथ लेंगे निमकी। आपने तो सुबह देखा कि जिस स्टोर पे हम गए थे वहाँ पे बंगाली चनाचूर विच इज़ मिक्सचर, उसके साथ निमकी, बहुत सारे सामान मिल रहा था तो हमने ले लिया क्योंकि वो दुकान के भैया भी बोल रहे थे कि जो भी लेना है ले लो, हो सकता है कि हम दुकान ना खुला रखे, कभी भी बंद कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो इसलिए हमने जो जो लेना था मन भर के लिया, ज़रूरत का सामान भी लिया, जितनी भी ज़रूरत की सामान नहीं थी वो भी ले लिया। और अभी चाय के साथ लेंगे निमकी। कुछ बोलोगे? बहुत होपफुल हूँ मैं कि आज का निमकी और चाय अच्छा रहेगा। पता नहीं चाय कैसे बनाएंगे, निमकी भी मुखरोचक है, बहुत दिनों बाद चाय बना रही है ये, बहुत अच्छा चाय नहीं बनाती है कभी कभी, तो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, तो लग रहा है कि देखते हैं चाय। क्यों, जिस दिन आमी आया था उस दिन तो मैं बनाई थी, उस दिन अच्छा था, चाय बनाई थी। देखते हैं, बुरा हो सकता है, अब मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, ठीक है, इंसान के हाथों से कम ज्यादा हो ही सकता है और वो भी नया पत्ता है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसको कितना बॉयल करना है, कितना डालना है, जो भी हो टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं। California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot, and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, 'cause I don't know what to do. Authentic, Calcutta ali jo nimki hoti hai na? Haan? Cheers to Tata Tea Premium. Hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Am I a little crazy to believe that I could wake up with him by my side? I know I could get his attention if I worked it all out. And we got a little tipsy on a Saturday night. Yeah, I want him and I need him. He's got a one-way, one-way, one-way ticket to my heart. हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और आज आई गेस 90% ऑफ द व्लॉग मैं किचन से ही कर रही हूँ क्योंकि आज हम सब कुछ घर पे ही बना के खा रहे हैं।
तो डिनर बाहर से नहीं ऑर्डर करेंगे, घर पे कुछ डिनर है नहीं। और जिस भी दिन ऐसे रोटी या राइस खाने का मन ना हो, बाहर से भी खाना ऑर्डर करने का मन ना हो, तो लगता है कि घर पे कुछ अलग बनाए। तो सुबह हम लेके आए थे बर्गर बन और ये पैटी, चिकन पैटी मैं ऑर्डर करके रखी थी बिग बास्केट से। ये पैटी अगर घर पे बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है और इजीली भी बनता है, वो भी कभी शेयर करूँगी, बट आज घर पे बनाया हुआ पैटी नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये ITC मास्टर शेफ गुड फॉर यू देसी स्टाइल चिकन पैटी, ये मैं आज यूज़ करूँगी। उसके साथ थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा मेयोनीज, लेटस, ये सब डाल के एकदम घर वाला बर्गर से आज होगा हमारा डिनर। यहाँ पे दीपांजन मुझे हेल्प कर रहा है चॉपिंग में, मैं जब तक पैटी फ्राई करूंगी तब तक दीपांजन बाकी का चॉपिंग में मुझे हेल्प करेगा ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। और चलिए, ये तो काफ़ी इजी है, कुछ दिखाने का है नहीं, सिखाने का है नहीं, बट फिर भी शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो ये है पैटी का साइज़, इसमें टोटल 6 पीसेस था, मैं 4 यूज़ करूँगी। तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, इसमें एक एक करके डाल दूँगी। पैटी फ्राई हो गया है और अभी मैं बन को थोड़ा सा बटर में सौते कर लूंगी, क्योंकि कच्चा बन खाने से एसिडिटी का चांसेस ज्यादा होता है। Act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. All done. अभी सब कुछ साथ में असेंबल करेंगे। सबसे पहले जाएगा लेटस, फिर जाएगा पैटी। यही तो पेन है। और क्या? टेस्ट तो उसी में आएगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर टेस्ट उसके ऊपर खराब हो जाएगा। Because उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, तो क्या अनियन भिजता है? चलो, नो, इट्स ओके। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं अनियन। अनियन को थोड़ी देर पानी में भिगो के रखिएगा, क्योंकि बर्गर में उतना झाँझ वाला अनियन अच्छा नहीं लगता। अब झाँझ को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तुमको सॉस चाहिए, मेयोनीज चाहिए, क्या चाहिए? बर्गर के अंदर कुछ नहीं चाहिए। मेयोनीज भी नहीं? बर्गर के बाहर। ये क्या बात है, थोड़ा सा बर्गर के अंदर मेयोनीज डाल दो, थोड़ा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डाल। हाँ, ये क्या मजा पूरा खराब कर रहे हो तुम मेरे बर्गर के। ये बहुत ही सिंपल सा बना रहे हैं आज, ऐसे ज्यादा कुछ हैवी नहीं डालने को, तो इसको बस अभी बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया रेडी, तो फर्स्ट बर्गर इज डन। अभी मैं बाकी का फटाफट बना लेती हूँ, फिर खाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को मैं और व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि बर्गर खाने के बाद फिर हम वॉक पे गए थे और वापस आते आते बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैंने रात को और व्लॉग नहीं किया। तो सेइंग हेलो टू यू गाइस ऑन अ मंडे मॉर्निंग, एंड मंडे मॉर्निंग्स आर द बिजिएस्ट वंस, तो इसलिए आज हमने थोड़ा जल्दी उठने का प्लान किया था। हमारा कुछ एक्स्ट्रा काम भी था जो वीकेंड में नहीं हुआ, सच एज ये जो इंडोर प्लांट्स है इसके मिट्टी को लूज़ करके थोड़ा फर्टिलाइज़र डालना था। वो व्लॉग आपको दीपांजन के चैनल में मिलेगा, विच इज़ आर बंगाली चैनल व्लॉग को ही भालो वैसे। दीपांजन का ब्रेकफास्ट हो गया है, वो नहाने गया है, रेडी होकर निकल जाएगा। इट्स जस्ट 10:00 राइट नाउ और मैं अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट विथ म्यूजली। और आप लोग सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना टेक केयर कीजिए, डू नॉट पैनिक। आई नो दिस कोरोना वायरस हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक अमॉन्ग पीपल, विच इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसके लिए जो हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करके बहुत सारे सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, मास्क इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कि दूसरों को वो नहीं मिल रहा है दुकान में। येस्टरडे वी वॉन्टेड टू बाई अ रिफिल पैक ऑफ द नॉर्मल लाइफ बॉय और डेटॉल हैंड वॉश, जो हमारे घर पर यूज़ होता है, बट ऑनलाइन तो हमें मिला नहीं। दैट्स द रीज़न वी वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था। सो वी गॉट दिस वैल्यू पैक, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, दिस कॉम्बो पैक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टू बी सेफ यू हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसके लिए जितना आपको चाहिए, जितना आपके फैमिली के लिए इनफ है, उतना ही स्टॉक कीजिए। ओवर स्टॉकिंग के लिए क्या होगा, मार्केट से प्रोडक्ट चला जाएगा, आपको मिलेगा बट दूसरों को नहीं मिलेगा, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो भी बोला गया है, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि बैंगलोर का क्या सिचुएशन है, तो बैंगलोर में स्कूल, कॉलेजेस, पब्स,
जो भी पब्लिक गैदरिंग के पॉसिबल जगह है सब कुछ बंद है फिलहाल. कुछ कुछ कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दिया है, जैसे कि दीपांजन को आज ऑफिस जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके ऑफिस में रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एवरी वन वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ. और अगर गवर्नमेंट से कोई सर्कुलर आता है सो दे विल डेफिनेटली डू दैट, बट अपने आप से दे विल नॉट गिव लाइक 100% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी. तो ये है फिलहाल सिचुएशन. ट्राई कीजिए पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करने का, अगर करते भी हैं तो घर पे आके कपड़े तभी के तभी पानी में भिगो दीजिए, धो लीजिए, उसको दोबारा यूज़ मत कीजिए बिना धोए. WHO यूनिसेफ के वेबसाइट में जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन देखिए और उसी में बिलीव कीजिए. और इसके साथ जो भी आपके साथ जिसके भी साथ आपका उठना बैठना है उनको भी अवेयर कीजिए, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स, उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको अगर कुछ चाहिए तो प्लीज़ ट्राई टू प्रोवाइड देम, ट्राई टू इक्विप देम विद सैनिटाइजर्स, मास्क, कि वो भी सेफ़ रहे. और वो सेफ़ रहेंगे तो आप भी सेफ़ रहेंगे, आप सेफ़ रहेंगे तो वो भी सेफ़ रहेंगे. तो सबके बारे में सोचिए, सबके लिए सोचिए और सबको सेफ़ रखिए, खुद भी सेफ़ रहिए. ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टेक केयर गाइस, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय.